Today I am going to explain the term that how a chemical reaction or chemical equation that can make more informative कि हम अपने chemical equations को है ना जब कभी भी हम लिखते हैं तो उसे कितना ज़्यादा जो है वो informative बना सकते हैं, यानी कि हम अगर अपने किसी भी केमिकल इक्वेशंस को जो हमने राइट किया है, लिखा है, उसे देख करके ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री में खासकर जो है बहुत ही ज़रूरी होता है और ये आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, जान लेंगे, ताकि आगे जो भी हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो उन सब जगहों पर हम इन्हें अप्लाई करेंगे और इससे जो है हमारे केमिकल रिएक्शन को समझना, उसे लंबे समय तक याद रखना आपको क्या होगा, संभव हो पाएगा और उससे जो है हमको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन तुरंत जो है वो मिल जाएंगे। तो उनमें सबसे पहला जो होता है वो है हमारा फिजिकल स्टेट। हम लोग यूं ही किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिख देते हैं, इसमें सपोज़ कि हमने अगर लिख दिया कि C+O2 है ना, और ये बन गया CO2। यहाँ हमें बहुत कुछ नहीं मालूम है, हमें ये भी नहीं मालूम कि यहाँ जो कार्बन है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना, कौन से फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लो कि ये कार्बन को बगल में इस तरह से S डिनोट कर दें, S4 क्या हो गया, सॉलिड। ऑक्सीजन ये गैसियस पार्टिकल है, इसके बगल में हमने क्या लिख दिया, G लिख दिया। ठीक है, तो C+O2 हुआ। अब जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ये भी हमारा गैसियस पार्टिकल है, आप इसे बगल में क्या लिख दिए, जी लिख देते हैं, यानी इसका जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, वो गैस है। लेकिन अभी भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो हमें देने होते हैं और देने चाहिए। तो जैसे यहाँ हीट रिक्वायर्ड होता है तो हीट को आप डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप जो है इस पर क्या कर सकते हैं, हीट लिख सकते हैं। तो ये हुआ कि अगर हमने इस तरह से लिख दिया तो क्या होगा कि हमें इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी, हम लोग अच्छे से केमिकल रिएक्शन को समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहला चीज़ होता है फिजिकल स्टेट। तो यहाँ मैं अभी फ़िलहाल इस कंडीशंस की बात नहीं करूँगा, और वो होता है कि जैसे हमने यहाँ कार्बन सॉलिड रखा, ऑक्सीजन गैसियस पार्टिकल है तो गैस लिख दिया बगल में, CO2 है गैसियस पार्टिकल है, यहाँ हमने क्या लिख दिया, गैस लिख दिया। ओके, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे कि ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव और हो गया। अब चले कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जैसे सोडियम है, Na+H2O। सोडियम के बारे में हम लोग जानते हैं कि हाईली रिएक्टिव सबस्टांस है। ठीक है, तो यहाँ जो है सोडियम हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, बहुत ही सॉफ्ट मेटल है ना, लेकिन ये सॉलिड होता है। वाटर जो है वो हमारा कौन सा फॉर्म है भाई, तो ये लिक्विड है। कौन सा स्टेट है, लिक्विड है। अब ये जो इसमें आपको बहुत मैंने हीट की उतनी ज़रूरत नहीं है, आप हीट नहीं भी करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है, ये क्विकली वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर लेगा और ये बना देगा क्या, सोडियम हाइड्रोऑक्साइड। ठीक है, और प्लस में क्या देगा, तो H2 गैस। ठीक है, आप गैस को जी से भी लिख सकते हैं या फिर हम क्या करते हैं, एक एरो जो है वो पॉइंटेड कर दिए अपवर्ड डायरेक्शन में, उससे भी हमें पता लग जाता है कि ये गैसियस पार्टिकल है। यहाँ जो हमने सोडियम हाइड्रोऑक्साइड इसे नहीं लिखा, ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, क्योंकि वाटर के साथ जब कभी भी किसी का भी रिएक्शन होगा है ना, और वो जो सॉल्यूशन तैयार करेगा वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा का मतलब ही होता है कि द थिंग्स दैट इज रिलेटेड विद द वाटर। अब इसी से हमारा एक्वेटिक बना, एक्वेरियम बना है ना, एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब जितने भी हम समझते हैं। तो AQ इट मीन्स एक्वस,
और एक्वस का मतलब हुआ कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें आपको वाटर का अमाउंट जरूर है, ठीक है। बहुत तरह के सॉल्यूशन ऐसे भी होते हैं जिनमें वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं होता है, समझे, तो वहाँ हम नॉन एक्वस लिखते हैं। बहुत सारे एसिड्स के बारे में हम लोग देखते होंगे तो वहाँ कहीं कहीं पर में DIL है ना, यानी डाइल्यूटेड है, कॉन्क कंसनट्रेटेड है, यानी डाइल्यूटेड कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको जो है एसिड कम है, वाटर क्या है ज़्यादा है। कंसनट्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि इसका जो एसिड का परसेंटेज होता है वो आपको ज़्यादा है और वाटर जो होता है वो क्या है आपका कम है। तो इस तरह के वर्ड्स को देखने पर समझ हम लोग जो है बहुत कुछ समझ पाएंगे कि S4 क्या हो रहा है, सॉलिड है, G4 क्या हुआ, गैसियस है, यहाँ G का मतलब भी गैसियस हुआ, बहुत जगह L लिखा होगा तो L का मतलब हमारा क्या हुआ, लिक्विड है, AQ का मतलब क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन है, DIL अगर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, डाइल्यूटेड है, कॉन्क अगर लिखा हुआ है तो कंसनट्रेटेड है। तो इन सब चीज़ों को जब हम अपने केमिकल इक्वेशंस में इन्वॉल्व करते हैं तो वो हमारे केमिकल इक्वेशन को क्या करता है, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाता है। लेकिन खासकर हमने अभी पढ़ना था फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट में हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस है, एक्वस, डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड, वो आपको पर्टिकुलर किसी स्पेशल कंडीशंस में आएंगे, है ना, और वहाँ इनको अगर हम डिनोट करते हैं, इन्हें इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होगा, ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट जो था हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इसे भी हम लोग जान चुके हैं। अब कैसे जाने हैं तो गौर कीजिए, हमने जो सेकंड ये रिएक्शन लिखा था तो ये फर्स्ट रिएक्शन को हमने लिखा और ये सेकंड रिएक्शन को, तो सेकंड रिएक्शन में आप गौर करें कि सोडियम मेरा सॉलिड था, वाटर जो है वो हमारा कौन सा फॉर्म है, लिक्विड है। अब इससे जो बना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है। हमने कहा कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, तो गैसियस पार्टिकल को आपने अगर जी लिख दिया तो भी पता चला कि हाँ ये गैस है। अदरवाइज जब कभी भी ऐसा होता है तो हम अगर एक एरो जो कि किधर की ओर डिनोट करे या पॉइंटेड हो तो वो अपवर्ड अगर पॉइंटेड है तो वो बता रहा है कि यहाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, यानी गैस जो है इस केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत जो है वो रिलीज हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक था इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। अब आइए कि हमारे पास जो है थर्ड रिएक्शन कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशंस में जो है वो बहुत सारे चीज़ें होते हैं क्योंकि सब सबस्टांस जो होता है वो हर एक कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता है। उसमें क्या है कि कभी कोई नॉर्मली ऐसे भी रिएक्ट कर लिया, कभी कोई लो टेम्परेचर में, कभी उसे हमें हीट करना होता है, कभी किसी स्पेसिफिक कंडीशन में, जस्ट लाइक कि हमें वहाँ जो है प्रेशर को इंक्रीज करना है, या हो सकता है प्रेशर को हमको क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है, या किसी एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमको जो है वो केमिकल रिएक्शन हो पाएगा। अदरवाइज कुछ स्पेसिफिक कंडीशन इस तरह के भी होते हैं जैसे कि हाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होगी इस केमिकल रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा, तो वहाँ हम लोग इस एरो जो कि हम लोग पहले देखे थे कि केमिकल रिएक्शन के लिए जो हम लोग एरो को यूज़ करते हैं वहाँ उसे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। साथ ही साथ गौर करें तो ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए ही नहीं था, जैसे हमारा क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा फोटोकेमिकल रिएक्शन भी होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो जब कभी भी हम उस एरो के ऊपर में उस स्पेसिफिक कंडीशन को लिखते हैं या डिनोट करते हैं तो इससे भी हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, वो ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव होता है। जब हम आगे और भी चैप्टर्स के बारे में जानेंगे तो वहाँ हमारे पास एक टर्म आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस जो कभी किसी केमिकल रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन उसके प्रेजेंस के कारण जो होता है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो इंक्रीज किया जा सकता है और उसे डिक्रीज भी किया जा सकता है। इसे आप इस कदर समझें कि हमारे क्लास का वो लड़का जो कभी किसी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हुआ हो लेकिन सारे लड़ाई का जड़ वो खुद रहा हो, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट
रिएक्शन कंडीशंस होते हैं, इनको हम एक आध एग्जाम्पल देख लें। जैसे हमारे पास है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म है ना, लेकिन ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा एक स्पेसिफिक कंडीशन में, और इस स्पेसिफिक कंडीशन को जो है हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन हमारा गैसियस पार्टिकल हुआ और ये आपको बनाता है CH3OH, मेथेनॉल, इसे हम क्या कहते हैं, मेथेनॉल। लेकिन यहाँ हमारा जो वो 340 AT है ना, एटमॉस्फेरिक ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये जब हम कंडीशंस को यहाँ लिखते हैं है ना, तो वो ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव होता है। जैसे वाटर के केस में ही हम लोग H2O इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट लिख दिए या इलेक्ट्रिसिटी लिख दिए, ठीक है। अब ये जो है हमारा H2 गैस और क्या निकल रहा है भाई, O2 गैस। मैं यहाँ बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आप इसे समझेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ बैलेंस कर दें तो ये हो जाएगा 2H2 और ये हो जाएगा 2H2 और बाकी का जो है O2 बैलेंस हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग इसे गौर करेंगे, समझेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इससे क्या होता है, पास करता है, ये हाइड्रोजन गैस जो है वो एक इलेक्ट्रोड पे और ऑक्सीजन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, आपको डिपॉजिट हो जाता है या वहीं जो है वो बबल्स के रूप में रिलीज होना शुरू होता है। तो जो स्पेसिफिक कंडीशन है, जब कभी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है खासकर फोटोसिंथेसिस वगैरह में, तो वहाँ हम लोग सनलाइट लिख देते हैं, ठीक है। या किसी और भी स्पेशल कंडीशन है जैसे सिल्वर ब्रोमाइड वगैरह है, इन सब का जो रिएक्शन होता है टूटना ब्रेकडाउन होना, तो वो आपका जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, तो वहाँ हम लिख देते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन। कभी किसी रिएक्शन में जो है कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है तो हम इसी एरो के ऊपर जो है उस कैटलिस्ट को क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि हाँ इसका रिक्वायरमेंट जरूरी है या इस स्पेसिफिक कंडीशन में ये केमिकल रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। यानी आपको किसी केमिकल रिएक्शन में हीट हमें देना होता है और किसी केमिकल रिएक्शन में जो होता है वो हीट जो है वो बाई सेल्फ है ना, कि आप जस्ट आफ्टर द कैल्शियम जस्ट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इट रिलीजेज अ ह्यूज अमाउंट और या फ्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट, अ फ्यू अमाउंट ऑफ हीट। सो स्टूडेंट नेक्स्ट टू द टॉपिक, इट इज इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अब इस कंडीशन में क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि जैसे हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये एक लाइमस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब कभी हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी आप इसको हीट क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, है ना, यहाँ एब्जॉर्ब हुआ हीट और ये ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO है ना, अब प्लस क्या हो गया CO2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारा ये, इसे हम कहते हैं क्विक लाइम, क्या कहते हैं, क्विक लाइम। तो यहाँ इस केमिकल रिएक्शन में हीट जो है वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ है, लिया गया है। और एक और कंडीशन है जहाँ क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा और उस केस में जो है आपको हीट रिलीज होगा। ऐसे जिस केमिकल रिएक्शन में हीट क्या किया जाता है, गेन किया जाता है, इसे इंडोथर्मिक कहते हैं, और जिसमें आपको क्या होता है हीट रिलीज होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी इन्हीं पर ध्यान दें, बाकी जो है हम लोग केमिकल रिएक्शन में पढ़ लेंगे। तो ये आपका लाइमस्टोन और ये हमारा क्या है, क्विक लाइम, क्या है, क्विक लाइम। अब इसी क्विक लाइम को CaO, जब हम लोग घर में कभी क्या होता है कि वाइट वॉशिंग करने के लिए इसी क्विक लाइम को लाते हैं और इसे वाटर के साथ क्या करते हैं, वाटर में डुबो करके रखते हैं, तो उस केस में हम लोग देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा वेपर क्रिएट होने लगता है, बॉइल्ड होने लगता है वाटर, यानी आपको उस केस में क्या हो रहा है, हीट
रिलीज कर रहा है, और उस केस में बनता क्या है, तो गौर करें, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड, क्या बनाता है, CaOH2 प्लस, ये क्या निकालता है, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो इस केस में जब कभी भी हम लोग क्विक लाइम को वाटर में डीप कर रहे हों तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखें, या उस कंटेनर में हाथ डालने की कोशिश ना करें, अदरवाइज हमारा हाथ क्या हो सकता है, बर्न कर सकता है। तो हमने एक में देखा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हुआ, और एक में हमने क्या देखा कि इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। अब आए कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें आपको कुछ सॉलिड सब्सटेंस जो हैं वो कंटेनर में सेटल डाउन हो जाते हैं, कंटेनर में क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। अब इनको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल के साथ जो है इसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम सल्फेट है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। अब अगर ये बेरियम क्लोराइड से BaCl2, बेरियम क्लोराइड से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग जानते हैं कि क्या बनता है, ये बनता है बेरियम सल्फेट, और प्लस में हमारा आ जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं। बेरियम सल्फेट जो होता है ये एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है ना, वाइट PPT, इट मीन्स प्रेसिपिटेट। ठीक है, यानी ये सॉलिड सब्सटेंस होंगे जो कंटेनर में क्या हो जाएंगे, आपको सेटल डाउन हो जाएंगे। ये किस कलर के हैं, तो वाइट प्रेसिपिटेट। इसमें जो है आप बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन देखेंगे जहां येलो प्रेसिपिटेट आएंगे, है ना, कहीं वाइट प्रेसिपिटेट आएंगे। प्रेसिपिटेट को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, तो जैसे ये जस्ट लाइक आपको गैस का क्या हुआ, रिवर्स कंडीशन हुआ, तो गैस के लिए हम लोग क्या करते थे, एरो इंडिकेट करता था जो कि क्या होता था, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड होता था गैस के लिए। लेकिन प्रेसिपिटेट के लिए क्या होता है, यही एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो स्टूडेंट ये कुछ टॉपिक थे जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने केमिकल इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, और ये हमारे लिए या इस चैप्टर के लिए बहुत ही जरूरी होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसमें भी बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन हैं, जैसे हम लोगों को कम्बिनेशन पढ़ना होगा, डिकम्पोजिशन पढ़ना होगा, तो कम्बिनेशन के बारे में तो एक ही में काम हो जाएगा, लेकिन डिकम्पोजिशन के बहुत सारे क्या होंगे, आपको टाइप होंगे, जैसे कहीं थर्मल डिकम्पोजिशन है, कहीं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन है या इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसके अलावा जो है कहीं फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन है, इसके अलावा फिर हम लोगों को पढ़ना होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, है ना, तो ये सब कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।